दर्शकों नमस्कार, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नगर परिषद पचोर का दृश्य, जहां पर कि ट्रक जो आया हुआ है ना, इस ट्रक के अंदर से पौधे उतर रहे हैं। इसमें कितने पौधे हैं, कौन से पौधे हैं और क्या लक्ष्य नगर परिषद पचोर का, हम वो चर्चा विस्तृत जानकारी आपको अध्यक्ष महोदय से और नगर परिषद के कर्मचारियों से करवाएंगे। अध्यक्ष जी, ये प्लांट जो उतर रहे हैं, इसकी क्या कार्य योजना है पचोर शहर के लिए? आपको पूरी परिषद ने नगर वासियों की सहभागिता से पचोर में परिषद के 2 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर 21 अगस्त के दिन 21 अगस्त 2023 बुधवार नगर के 75 चयनित स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया है। इसी के तहत 11,000 वृक्ष हम पचोर नगर के विभिन्न स्थानों पर नगर की जनभागीदारी से, नगरवासियों की जनभागीदारी से रोपित करेंगे और हम सबका प्रयास है कि एक ही दिन में 21 अगस्त दिन ये 11,000 पेड़ विभिन्न 75 स्थानों पर हम रोपित कर दें। इस हेतु नगरवासियों का सहयोग सादर आमंत्रित। अध्यक्ष जी, इसमें कौन कौन से पौधे आपने बुलवाए हैं? हमारा एक सोच पूरी परिषद का था कि कोई भी एक प्रजाति जिससे पहचान भी नगर की बने, इस हेतु इसमें सर्वाधिक पेड़ 8,000 पेड़ जामुन के हैं, ताकि हमारा नगर पचोर आने वाले सालों में जब ये पेड़ बड़े होंगे, पल्लवित होंगे, जब इसमें फल आने लग जाएंगे, तो हमारा शहर एक जामुन सिटी नाम से पहचान ना जाए। इस हेतु हमने 8,000 पेड़ जामुन के हैं। शेष 3,000 पेड़ों में शीशम, अशोक, कदम, इस टाइप के पेड़ जो हैं, जो छाया भी देंगे और राहगीरों को ऑक्सीजन भी देंगे। नगरवासियों के लिए अच्छी एक पहल ये, नगरवासियों के सुझावों पे ही परिषद द्वारा तैयार की गई है।